अबे थोड़ा सा तो शर्म करते हुए, थोड़ा रुकते तो सही। मैंने बोला था कि मैं टेस्ट करूंगा दोस्तों के में से। अच्छा एक बात बताओ, कैसा टेस्ट है? तुम ही बता दो टेस्ट कैसा है। चटाकेदार है। टेस्ट की ओरिजिनल फीलिंग बताओ। तू इधर, अपन लाइट नहीं आ रही उधर, ओम तू इस साइड। दोनों ओरिजिनल फीलिंग बताओ, क्या फील आ रहा है? अच्छा है, सब्जी अच्छा है। अच्छा है मतलब सब्जी का कैसा टेस्ट है, पराठे का कैसा टेस्ट है? अच्छा सबका अच्छा बोलते हैं, सबका अच्छा है। एवन है, सब कुछ बढ़िया अच्छे से मस्त पका है उसमें, जो मसाला और मिर्च जो सब ना, सब बढ़िया डाला है। एवन है तो यार मेरे लिए तो इन दोनों ने छोड़ा नहीं है, पर तो भी यार नीचे से कुछ तोड़ के दो बे। क्या कर रहे हो? सब्जी के साथ मिलना चाहिए कुछ। मेरा मीठा वाला, ठीक है थोड़ा मीठा लगेगा। अच्छा तो है यार। मुझे ना ये रोल बड़ा पसंद आया, चटाकेदार है मतलब A1 है। अच्छा भैया आप कितने टाइम से लगा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे 6 बजे लगता है सुबह टाइम, बॉयज स्कूल पास लगता है। सुबह बॉयज स्कूल पास जी। और यदि आप बाहर से और मैयर आते हैं तो आपको कुछ टेस्टी या चटपटा खाना है ना, तो आप यहाँ आके खा सकते हैं। और ऐसे लोगों को साथ में ना लाए जो अकेले अकेले खा जाए, आपसे पूछे भी ना। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, नहीं 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 9:30 बजे हैं। अभी जस्ट हम होटल से बाहर आए हैं और अपनी गाड़ी लेके कहीं नाश्ते पानी के लिए जा रहे थे, पर हमने देखा कि हमारा टायर पंचर हो गया आगे वाला टायर, वो सुधार रहे हैं। जैसे टायर रिपेयर होता है तो हम यहाँ पे मैयर में जो बचे एडवेंचर स्पोर्ट्स है ना, आज तारीख क्या है, 27 दिसंबर है ना, आज तारीख है 27 दिसंबर, और अभी हम वहाँ वहाँ जाएंगे। जैसे 2-3 मंदिर बचे हुए हैं और एक वो पन्नी खोर जो झरना है वहाँ जाएंगे, और ये 4-5 एडवेंचर स्पॉट है। नीलकंठ मंदिर भी जाना है, 3-4 मंदिर बोला मैंने, वो सब मंदिर जाना है। टोटल 4-5 एडवेंचर स्पॉट से वो निपटा देंगे हम शाम 5 बजे तक, ठीक है। और शाम 5 बजे के बाद हम यहाँ से ना बाइक लेके पन्ना निकल जाएंगे, और हमने अभी होटल भी चेकआउट कर देना है अभी, क्योंकि यदि होटल चेकआउट नहीं करेंगे अभी तो 10 बजे ना, कल में हमने 12 बजे ली थी, अभी 12 बजे चेकआउट करनी पड़ेगी हमें, नहीं कि हमने तो आज का पैसा भी हमें देना पड़ जाएगा जो होता है 600 रुपये, और हम ये कतई होने नहीं देंगे। सारे एडवेंचर आज 4-5 जितने भी एडवेंचर्स हो निपटाने के बाद 5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे पन्ना के लिए, और पन्ना यहाँ से 100 किलोमीटर है, 5 बजे यहाँ से निकलेंगे तो 7-7:30 बजे तक, मतलब 2 घंटे या 1.5 घंटे में पन्ना डाल देंगे गाड़ी, पन्ना में जाके होटल लेंगे तुरंत, होटल लेने के बाद बाहर निकलेंगे नाश्ते पानी के लिए। ये मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि ये होगा वहाँ पे। और फिलहाल तो अभी 4-5 एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे जो देखना है मुझे। सारे मंदिर तो ठीक है, मंदिर तो देखना है ठीक है मतलब, पर है ना पन्नी खोर जो झरना है ना, वो तो हमें जाना ही जाना है। जो नेचुरल जो झरने होते हैं ना, वो देखने में जो मज़ा आता है ना मतलब, तो झरना देखना है हमें। और बस कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट लग जाएगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भरवा दो यार, बाद में हम भी निकलते हैं। मोर कैसा फील हो रहा है, तेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा? अच्छा मतलब मुझे आज तक नहीं आया। ओम तुझे कैसा फील? मैयर में बनवा रहा है ये, मतलब हमेशा जबलपुर में पंचर होता है, जबलपुर में बनाता है, आज पहली बार टायर पंचर हुआ मैयर में ही, और मैयर में ही बनवा रहा है। अबे मैयर में होगा तो मैयर में बनवाएगा क्या, जबलपुर जाके बनवाएगा क्या? खुशी है ना उस चीज का एक अलग ही चेहरा देखो, हर्षोल्लास चेहरे में भरा हुआ है, फुल्लित है वो, प्रफुल्लित मन, अफुल्लित सफुल्लित कपुल्लित, पता नहीं क्या क्या है। चलो कोई अच्छा मोमेंट आता है तो आप सभी के साथ मैं शेयर करता हूँ। फिलहाल तो एक चाय मिली है बस यहाँ पे, क्योंकि हमें रास्ते में रुकना पड़ा टायर पंचर करवाने के लिए, तो यहाँ एक चाय मिली है, उस चाय के बिना मुझे कतई भी मज़ा नहीं आ रहा है। वो चाय है ये, चाय का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, नहीं लगा। क्या हुआ? चाय वाला। क्या हुआ? कॉफी शॉप जाइए, चाय पीना है। हम वहीं जा रहे थे, ये टायर पंचर नहीं होता तो हम वहीं चले जाते, वो टायर पंचर हो गया ना इस वजह से। चाय पे चर्चा जाइए,
हाँ चाय पे चर्चा नहीं भी जाएंगे तो एक अच्छे से ठेले पे चले जाएंगे जहाँ अदरक वदरक सब बढ़िया मिलेगी। ठीक है, मुझे ये चाय बिल्कुल पसंद नहीं आई और ये चाय सजेस्ट करने वाले यही थे क्योंकि इनके सामने यही होटल है, इनके आसपास कोई होटल ही नहीं, इनका भी कोई दोस्त नहीं है। फिलहाल जैसी भी चाय मुझे पीना पड़ेगी, चाय कैसी भी हम पी लेता हूँ थोड़ा मेरा माइंड शार्प हो जाता है। जैसे टायर पंचर सही होता है तो हम आगे निकलेंगे एंड नाश्ता पानी करेंगे, वापस होटल आएंगे, होटल को चेकआउट करेंगे और सामान लेके एडवेंचर्स पर निकल जाएंगे। सामान हमारे साथ में होंगे आज। ये जो भैया है ना, ये अपनी गाड़ी का पंचर बना रहे हैं। ठीक है, पंचर तैयार है अपना, सही हो गया टायर, बस लगाना है ना। अच्छा सुनो, उससे पहले एक बात पूछनी है मुझे अपन से। बैठ जाओ अपने साथ। बैठ चलो ठीक। अच्छा एक बात बताओ, सबसे इस साइड देखो, इस साइड देखो, दो मिनट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी सबसे फेवरेट खाने की चीज कौन सी है, सबसे फेवरेट जो बहुत पसंद है अपने को? मेरे को ना, मेरी है भैया खाने टमाटर की बघारी हुई चटनी। टमाटर की बघारी हुई चटनी रोटी के साथ या समोसे? रोटी के साथ। अच्छा ठीक है। अच्छा तो अपन रोटी लेके आ गए घर से यहाँ पे शॉप पे। ठीक है, अपने वो टमाटर की बघारी चटनी खाने का मन हुआ और मैं ना अपने लिए स्पेशली बोलता हूँ कि मैं टमाटर की चटनी लेके आ रहा हूँ अपने घर से और बढ़िया मसालेदार चटकदार बना के ले आता हूँ। अपन रोटी लेके बैठे हैं तैयार, बहुत देर से अपने पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ठीक है, अपने पास आया और चटनी दिखाता हूँ और ये चटनी अपने मुँह में पानी आ चुका है। अपन जैसे रोटी तोड़ के चटनी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, रोटी तोड़ दी और चटनी पे अटैक ही कर रहे हैं और उसी टाइम पे चटनी को मैं अपने हाथ में उठाता हूँ, पूरी पी जाता हूँ। कैसा फील होगा? अरे कुछ मत पूछिए, कुछ मत पूछिए, फिर तो दुकान बंद, घर पे जा रहा, मुझे काम ही नहीं करना ऐसा कुछ। मेरा मूड ही खराब हो गया। अच्छा कैसा कैसा चेहरा बनाओगे उतना बता दो, चेहरा बता दो अपना एक बार, कैसा चेहरा बनेगा उस टाइम पे? बहुत गंदा फील होगा, प्लस क्या है, चेहरे में बहुत गुस्सा आ जाएगा। मैं तुरंत भाग जाऊंगा यहाँ से। ये जो ओम है ना, इसने ना एक जैकेट लिया है नया अभी अटाना। पूमा, हमने इस पूमा को देखा तो हम बड़े खुश हुए कि मतलब लोंडे ने ना बड़ा ब्रांडेड जैकेट लिया है। बाद में इसने अमाउंट भी बताया कि इसने 400 रुपए में लिया है, तो भी हमने इस जैकेट को ब्रांडेड मान लिया था कि ठीक है 400 में, तो भी पूमा तो लिखा भाई बहुत है उतना। पर जब मैंने इस साइड देखा तब मैं निशब्द हो गया, BMW पूमा। अच्छा ओम, तूने ये मतलब देख के जानबूझ लिया है, तुझे पता नहीं तो ऐसे उठा के लिया यार? ऑनलाइन मंगाया था कि ऑफलाइन खरीदा था? कोई ऑफलाइन ही गया, ऐसे ऑनलाइन आते भी नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूं, वही नहीं आ भी सकता है, धोखे थोड़ा चला गया तो फिर वापस कर दे। अच्छा वैसे ये तूने जान तूने देख के लिया है कि सोच समझ के, मतलब मतलब ठीक है, डर गई है। हां जेब अच्छा है, गहरा है। जेब कितना भी गहरा हो पर इन्होंने जो ब्रांडिंग दे दी, ये जो किया है ना, ये लाखों करोड़ का बन गया। आप वो मनोज तिवारी बोलता, मनोज तिवारी ना रिंकिया के पापा, उन्हें बोलता दिल्ली की जनता कभी माफ नहीं करेगी, होता ना वो एक उसका अरविंद केजरीवाल सर उड़ा देते ना चीज की, वो रिंकिया के पापा का गाना तो आप सभी ने सुना होगा, जनता से बोलते हो। और अभी उनका एक बियर वाला भी वायरल हो रहा गाना है, हाथ बियर वाला कौन सा गाना है मनोज तिवारी का पता नहीं मुझे, वो ना एक बोतल बियर पी के हम तो झूमे झूमे ऐसा गाना है उसका। तो गाना बन सकता है, नोटेड। तो है ना मुझे ना थैंक यू नाश्ता पानी चाय मेरा और ओम का और मोर का कंप्लीट हो गया है। नाश्ता भी बहुत बेकार लगा मुझे, सजा जा भी मैंने खाया और चाय भी बेकार मिली है। चलो ठीक है, फिलहाल हम निकल रहे हैं, एडवेंचर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 10:30 बज रहे हैं, 10:30 हम सबसे पहले जा रहे हैं, कहाँ पर हमें पता नहीं है, बस पन्नी खोर झरना या कोई ना कोई मंदिर पे पहले पहुँचेंगे हम, एक मंदिर पे पहले, मतलब कुछ भी हो सकता है, एडवेंचर पता नहीं है। ठीक है, फिलहाल होटल जाके चेकआउट करते हैं और निकलते हैं एडवेंचर के लिए। चाय रास्ते में कोई अच्छी मिली तो पी लेंगे, अच्छी चाय पीना है यार। चलो निकल दे। तो मोर कैसा फील हो रहा है होटल छोड़ रहा है? अब अच्छे फील हो रहा है, अब नई जगह जाएंगे, देखेंगे कुछ फील तो अच्छा ही है। होटल रूम अभी हम चेकआउट कर रहे हैं और होटल रूम चेकआउट करने के बाद हम सीधे एडवेंचर स्पोर्ट्स पे स्पीड से गाड़ी से निकलने वाले हैं।
ओम यस सर ओम हाउ इज द जॉब्स हाय सर अरे चलो होटल चेकआउट करते हैं यहाँ से निकलते हैं यहाँ आईना बड़ा प्यारा था ये यहाँ से निकलते हैं और क्या बोला तूने अभी तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि है ना हम सारा सामान लेके चल रहे हैं तकलीफ अकेले को मुझे ही नहीं हो रही सभी को हो रही है इसे भी हो रही है इसे भी हो रही है इसने भी इतना बैग टांगा हुआ है पीछे गाड़ी पे मैंने ये टांगा हुआ है फ्रंट में अपने आगे इसने उस साइड में टांगा हुआ है गाड़ी एक है तीन लोग हम बैठे हुए हैं ऊपर से इसने इतना भारी टोपा पहना हुआ है अच्छा अच्छा ये पहाड़ के बारे में क्या बोलना चाहते हो भाई कितना सेक्सी पहाड़ है यार पहाड़ तो बहुत सेक्सी है जंगल बहुत हम पता है ये पन्नी खोर जो झरना है ना वहां जा रहे हैं ना तो ये जो पहाड़ हम चढ़ रहे हैं ना देखो पहाड़ में जाना बोल रहा है पहाड़ के ऊपर ही चलना है मोरी को डाउट आया कि मतलब मोरी सोच रहा था कि सर झरना नीचे तो नहीं रह गया वो नेट पे सर्च कर रहा है चाचा पन्नी खोर झरना नहीं मालूम कहाँ बता नेट कहाँ बता रहा है चाचा पन्नी खोर झरना झरना पत्थर को हटा दो सर ऊपर नीचे जाना पड़ेगा चाचा पन्नी खोर झरना नीचे जाए नीचे से जाए कहीं से मुड़ना था चलना है तो नीचे चलो और पैदल चलना है तो पैदल चलना है तो ऊपर जाना ऊपर से पैदल चले जाएंगे ऊपर से पैदल जा सकते हैं नीचे से गाड़ी से जा सकते हैं रास्ता कुछ बना होगा ना ऊपर पूरा जंगल ही जंगल होगा एक जगह लगाना पड़ेगा हो सकता है अभी मैं ओम मोर है ना पहाड़ पे खड़े हैं ये बहुत बड़ा पहाड़ है मतलब इतना बड़ा पहाड़ है कि मतलब हम पता नहीं इतने डरावने रास्ते भी गाड़ी चला के आए ना गाड़ी में चला रहा हूँ ऐसे ऐसे मोड़ते ऐसे ऐसे अंधे मोड़ है इतना पतला रास्ता है बहुत ऊंची पहाड़ी पे चाचा ने बोला ऊपर से भी जा सकते हो नीचे से जा सकते हो ऊपर से जा सकते हो नीचे से भी जा सकते हो नीचे से चले गाड़ी ले जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा सामान भी बहुत सारा है अपने पास चलो ठीक है बाइक उठाओ नीचे से चलते हैं पन्नी खोर झरना हम आ रहे हैं।